ले बरा दे लागे ब्योला की बरात अब रोटियां बनाने भी जरूरी है और डांस करना भी जरूरी है, तो रोटियां बनाते बनाते डांस शुरू भाई। जो भी चलेगा उसमें करना है धमाल, मजा आएगा आपको, वीडियो में बने रहना। आज की वीडियो की शुरुआत भाई दोस्तों काफी पीसफुल जगह से हो रही है। अभी मैं बैजरो मार्केट के सामने हूँ, ये है दोस्तों सामने बैजरो मार्केट, और ठीक इसी के नीचे हमारी पूर्वी नयार, और ठीक यहाँ से सामने की तरफ देखो ये है दोस्तों मटला का महादेव, और आज ठीक महादेव के मंदिर के सामने से अपनी वीडियो की शुरुआत हो रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और महादेव के इस खूबसूरत से मंदिर से। अभी ठीक दोस्तों 11 बजे का टाइम हो रहा है और हम ना ठीक बैजरो आ गए थे, तो अभी ऊपर आ रखे, वीडियो की शुरुआत मैंने नहीं की थी तो इसी के चक्कर में ऊपर आ गया वीडियो की शुरुआत करने के लिए। फिलहाल दोस्तों हेलमेट वगैरह पहन के चल रहे हैं तो बारिश की कंडीशन भी बड़ी खराब हो रही है। बाकी यहाँ ना दोस्तों हमारा थोड़ा सा काम है तो इसीलिए हम आ गए, साथ साथ में आज दोस्तों शादी भी है तो आज कॉकटेल पार्टी होगी, तो आपको कॉकटेल पार्टी का तगड़ा ब्लॉग देखने को मिलेगा, यानी डांस वगैरह देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा मजे आज की वीडियो में आपको आने वाले हैं। और अभी तो हम सभी भाई लोग जाएंगे शादी में, बाकी अभी थोड़े बहुत काम थे क्योंकि कल के लिए शादी के लिए कपड़े वगैरह भी चाहिए थे, मेरे को तो नहीं लेने पर भाई लोगों को लेने, तो इसी के कारण हम बैजरो की तरफ आ गए हैं। और मुझे भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, मतलब शॉपिंग तो क्या है, जूते वगैरह लेने हैं, मतलब तो भाई लोगों को कपड़े वगैरह लेने हैं, मुझे जूते लेने हैं, तो इसी के कारण हम बैजरो की तरफ आ गए थे। शाम को सभी भाई लोग जाएंगे शादी में तो मजा आएगा आपको वीडियो में, तो वीडियो में बने रहना। मेरे साथ दोस्तों विवेक भाई है। विवेक भाई क्या हाल चाल है, लगातार से कॉलेज चल रही है आपके लिए, तो क्या बात है। अच्छा चलिए अब हम भी निकलते हैं मार्केट की तरफ, और जो भी है सामान वगैरह उनको फटाफट से कलेक्ट करते हैं, फटाफट से लेते हैं, और उसके बाद सीधा निकलेंगे शादी की तरफ, यानी शादी में, शादी जो है वो भरपूर गांव में है। बाकी जो अपनी गड्डी क्या है दोस्तों इस तरफ को लगी हुई है, और पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इसका नाम एक प्यार सा सोचो, बट आप सभी के कमेंट तो थे बट बहुत कम थे, तो एक प्यारा सा नाम दोस्तों इसके लिए सजेस्ट करो यार। ये देखो ये है अपनी गाड़ी, तो एक प्यारा सा नाम रखना है इसका भी, तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, ढेर सारे कमेंट करो, तभी एक बढ़िया सा नाम पिक करेंगे। और ठीक मंदिर के ऊपर ही दोस्तों मटला गांव है, और मटला गांव के ही नाम पे ना कहते हैं मटला महादेव, तो इसी के नाम पे पड़ा हुआ है मटला महादेव। चलो भाई अभी मार्केट में है दोस्तों, और थोड़ी बहुत ना जो शॉपिंग वगैरह है वो भी हो गया है, तो अपने साथ अपने सालू भाई हैं। सालू भाई ने देखो अभी कपड़े वगैरह ले लिए हैं। अब मार्केट में आओ दोस्तों तो टाइम का ना बिल्कुल भी पता नहीं लगता, तो अब जाके ना 2 बज गए हैं और अब जाके हमने सामान वगैरह ले पाए हैं, और अब जाके जो मार्केट क्या है दोस्तों वो भी ना देखो पूरा का पूरा खाली हो गया है भाई। ठीक 4:30 का टाइम हो रहा है दोस्तों और हम पहुंच गए ठीक बिदिकाल मार्केट में, यहाँ हमारे भाई से मिले, क्या हाल चाल है। बढ़िया भाई। दोस्तों ये है इस वाली धन्नू के ड्राइवर, धन्नू बोले तो हिमगिरी एक्सप्रेस, तो कैसे कैसे चल रहा था। चल रहा है फर्स्ट क्लास, मजा आ रहे नहीं आ रहे। आए ना मजा आए ना, काम तो करने है, काम तो करने है, सही बात है। चाय की चुस्कियां ली जा रही है बेदिकाल में, ठंड में, सही बात है। चलो बहुत बढ़िया है। मार्केट में दोस्तों सारा टाइम ऐसे ही बीत जाता है, पूरा का पूरा टाइम वहीं खराब हो गया बैजरो में। फिलहाल अभी तो बेदीखाल के नीचे ही हैं, और सामान वगैरह जो था ना वो सालू भाई में कुछ छूट गया था, तो अभी सालू भाई उसको नीचे लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं भाई का। बाकी ठीक हॉस्पिटल के सामने है, यहाँ से ना बेदीखाल का हॉस्पिटल भी है। ये जो हॉस्पिटल क्या है दोस्तों ये स्वास्थ्य केंद्र है, और यहाँ पे बना हुआ है तो दवाई वगैरह यहाँ पे मिल जाती है। और जिस टाइम पे दोस्तों कोरोना काल वगैरह था ना, तो कोरोना काल में दोस्तों हम भी दिल्ली से ना जॉब करके घर आए थे, तो हमें भी क्वारंटाइन होना पड़ा,
तो जो कोरोना वाली रिपोर्ट क्या थी ना, यानी 14 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद, तो उस रिपोर्ट के लिए दोस्तों मैं यहीं आया था और इसी हॉस्पिटल में, मतलब इसी स्वास्थ्य केंद्र से मैंने वो वाली रिपोर्ट लेके घर गया था। एक या दो बार दोस्तों मैं स्वास्थ्य केंद्र में आ रखा हूँ और उसी काम से आ रखा हूँ, मतलब कोरोना काल के ही टाइम पे मैं इस वाले हॉस्पिटल में आया। लिटरली बोलो तो यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि ना चश्मे वगैरह जो भी थे ना मेरे यहीं पे खोए भाई साहब, मतलब बहुत यादें हैं। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने मामा के गांव जा रहा था, तो उस दिन भयंकर बारिश लग गई, तो यहाँ पे रुके थे और आधे ज्यादा सामान तो मैं यहाँ पे छोड़ के चला गया, मतलब भूल गया, फिर वो मुझे मिला भी नहीं, मतलब चश्मे वगैरह मुझे मिले भी नहीं। होता है ना जब आप ऐसी जगह में आओ जहाँ पे आपके साथ मतलब कुछ ना कुछ चीजें हुई हो, या आप कैसे बाइक में ही गिर गए, तो उस जगह पे पहुंचते हो तो मतलब ऐसा लगता है ना कि यार ये वही वाली जगह है, मतलब वो वाली चीज याद आती है। टाइम भी दोस्तों ठीक 5 बजे का हो गया है, अभी शादी में भी आना है, तो पहले घर जाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे, चेंज वगैरह करेंगे, उसके बाद शादी में आएंगे और सनसेट भी कुछ ही देर में हो जाएगा। तो लास्ट देखो लालिमा भी दिखाई दे रही है। चलो भाई, जिसका इंतजार था यानी सालू का, तो सालू भी देखो बढ़िया से सामान देके अब निकल गया अपने घर की तरफ। सालू भाई जो है वो चोरखिंडा के हैं, चोरखिंडा जो है दोस्तों वो ठीक यहाँ से ना इस वाली धार से आगे की तरफ है। आज भी मौसम वही है देखो, धुंध वाला बिल्कुल, यानी धुंध वगैरह जो है ना आज भी बड़ी भयंकर लगी हुई है। भाई तो निकल गया है, अब ये लोग भी आएंगे और फिर निकलते हैं घर की तरफ, फिर शादी में तो आना ही है। तो चले जी, अभी घर भी पहुंच गए हैं। टाइम जो है दोस्तों वो ठीक 5:50 का हो गया है, बाहर तो पूरा का पूरा अंधेरा भी हो गया है और अब निकलते हैं दोस्तों शादी में। वैसे तो हम वहीं से शादी में भी जा सकते थे क्योंकि रास्ते में पड़ता है भरपूर भी, बट क्या है कि हमारे पास सामान भी था और हेलमेट वगैरह भी था, तो फिर हेलमेट कहाँ लेके जाना था, सामान कहाँ लेके जाना था शादी में, तो इसी के चक्कर में हम घर आए, हेलमेट भी रख दिया है, सामान भी रख दिया है, अब सीधे निकलते हैं शादी में। बट उससे पहले चाय ही पियेंगे क्योंकि ठंड भी लग गई है बाइक में ना, तो चाय वगैरह पी के और सीधा निकलते हैं। यहाँ देखो पूरा अंधेरा हो गया है तो थोड़ा सा हमें लेट हो जाएगा अब, बट चाय पीते हैं और फटाफट से निकलने की कोशिश करते हैं, जल्दी से जल्दी निकलते हैं। और किचन की तरफ बढ़े तो यहाँ देखो आज फिर से यहाँ तोरियाँ बन रही है, फिर से तोरी, रोज तोरी तोरी। अच्छा तीसरे दिन में ले जानी है तो ले जाओ। हाँ बहुत ज्यादा तोरी हो रही है हमारी, और हमारी YouTube फैमिली में भी किसी को चाहिए तो कांटेक्ट करना, बहुत ज्यादा तोरी हो रही है, तो हमारे घर आना और ले जाना। चलो भाई गर्मा गर्म चाय तैयार हो गई है और फटाफट पीते हैं फिर निकलते हैं। चलिए जी चाय वगैरह हो गई है, हम भी आ गए हैं ऊपर रोड में, यहाँ से निकलना है अब सीधा भरपूर की तरफ। बाकी अपने फौजी भाई बिल्कुल रेड पैट हो गए हैं और स्पेशल शादी के लिए ही आ रहे हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया नहीं था, तो 2 दिन की जो छुट्टियां हैं वो स्पेशल शादी के लिए है, क्योंकि दोस्त की शादी है और वो भी खास हम खास दोस्त की, हाँ तो इसलिए। बाकी अपने सभी भाई लोग तैयार हो गए, रजत भाई जी चलो तब है, चलो लेट भी हो गया है ना। अभी फिलहाल दोस्तों ठीक भरपूर गाँव में भी पहुंच गए हैं, यहाँ देखो यहाँ पे लगा दी सभी भाई लोगों ने गाड़ियाँ, तो निकलते हैं आप शादी की तरफ। तो भरपूर गांव में जाने का जो रास्ता क्या है दोस्तों, यहां से शुरू होता है, यहां पे भगवान जी की मंदिर भी है, जय हो जय माता दी। भरपूर गांव के जो रास्ते हैं दोस्तों वो थोड़े से विचित्र विचित्र है, तो भाई लोग ना बिरड़ बिरड़ के जा रहे हैं भाई। गाँव जो है दोस्तों यहाँ से ना ठीक देखो सामने की तरफ है और जो दूल्हे का घर है वो इस साइड को है, तो फटाफट निकलते हैं दोस्तों। फाड़ की जो व्यवस्था है दोस्तों देखो ठीक यहाँ से नीचे की तरफ है, यहाँ पे लगा हुआ है फाड़, मतलब खाना वगैरह जो भी बन रहा है ना यहाँ पे बन रहा है, तो हमारे पहाड़ में बोला जाता है फाड़, मतलब जहाँ पे खाना वगैरह बनता है। दूल्हे राजा से मिलिए भाई दोस्तों। दूल्हे राजा जी क्या हाल चाल है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। ये रहा भाई दोस्तों दूल्हे का घर, कुछ इस तरीके से ना अभी देखो डेकोरेशन वगैरह कर रखी है। क्या हाल चाल है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आपने लाइट भगा दी, अरे चलो। की जो व्यवस्था है दोस्तों वो ठीक यहाँ पे कर रखी है, टेंट वगैरह आप देख सकते हो। नीचे की तरफ देखोगे तो गांव की सभी महिला मंगल दल ना रोटियां बनाने पे लगी हुई है, ये देखो गर्मा गर्म रोटियां बन रही है, ये भी एक्टिव मोड में आ गया है। अब रोटियां बनाना भी जरूरी है और डांस करना भी जरूरी है, तो रोटियां बनाते बनाते डांस शुरू भाई। शादी में पहुंचे और भाई लोग भी मिले हैं, संजय भाई भी मिले हैं साथ साथ में। भाई जी आपका नाम? परमीत। परमीत बिस्ट। परमीत भाई मिले हैं,
भाई ने न्यू चैनल भी बनाया है, तो शुभकामनाएं भाई जी को। और बढ़िया सब कुछ, जबरदस्त संजय भाई। नमस्कार सभी दर्शकों को, राहुल भाई को भी मोस्ट वेलकम हमारे गांव में आ रखे हैं। तो पेट भर के खाना खाइएगा, बिल्कुल एंजॉय करिएगा, खूब डांस करके घर जाइएगा। वो तो है, वो तो करना ही है हमें, बट हमें पार्टी भी खानी है अभी। जरूर जरूर, बिल्कुल। फिलहाल तो पार्टी के रूम में पेट भर के रसगुल्ले है, नहीं है रसगुल्ले भी मिलेंगे तो बिल्कुल रसगुल्ले खाएंगे फिर हम। जरूर जरूर रसगुल्ले खा के जाना। बहुत बहुत कैसा लग रहा है आप हमारे गांव में? बस आपने हमारा स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा हमें। अरे कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। बिल्कुल, आप जल्दी आप भी शादी करो, फिर आपकी शादी में भी धमाल करना है हमें। कब कर रहे हो फिर हाथ पीले? पॉइंट की बात है, बातचीत चल रही है अभी, मतलब तलाश चल रही है, तब देखो जब तक भी होगा, मतलब जल्दी होने वाला है। बिल्कुल भाई जी नमस्कार, क्या हाल चाल है बड़े भाई जी? तो चलिए जी, अभी आपने थोड़ा बहुत डांस वगैरह देखा, आप चलते हैं दोस्तों खाना वगैरह खाने के लिए। खाने का टाइम भी हो गया है तो फटाफट से खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद सीधा चलेंगे दोस्तों डीजे वगैरह में। चलिए जी, अभी अपना खाना भी हो गया है और लगभग लगभग सभी ने खाना खा ही लिया है। कुछ लोग अभी दोस्तों खाना वगैरह खाने पे लगे हुए हैं। आप चलेंगे दोस्तों सीधा डीजे में और बैंड में, तो देखते हैं बैंड चल रहा है या डीजे चल रहा है, तो देखते हैं जो भी चलेगा उसमें करना है धमाल, मजा आएगा आपको, वीडियो में बने रहना। बैंड वगैरह जो है दोस्तों ठीक इस तरफ को बज रहा है और डीजे वगैरह दोस्तों ठीक इस तरफ को। We'll be right back.
अलग ही इंजॉय चल रहा है। कुछ सारिया गा रही है और कुछ डांस भी कर रहे हैं। ले बराडे लागी ब्योला की बरात, अरे वाह, सीते राजी बेजो फूल सीते राजी, आईया बेजी जो है दोस्तों ठीक 1 बजे का हो गया है। 11:30 बजे हम दोस्तों घर आ गए थे, बाकी एडिटिंग के काम पे लगा हुआ हूँ। एडिटिंग का काम भी जो है ना वो आधा हो गया है। गला भी मेरा थोड़ा बहुत बैठ गया है, लगातार वही डांस वगैरह कर रहे थे, मजा आ गया। बाकी अपने पहाड़ों में तो ऐसे ही डांस होता है, गप्रोल, एकदम गप्रोल हुआ और बढ़िया लगा, डांस वगैरह था। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। आप आजकल आपका प्यार इतना नहीं मिल रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं आपको एक नए और मजेदार और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।